भारत में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में अब तक 59,662 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा कोरोना की चपेट में आकर अभी तक 1981 लोगों की मौत भी हो गई है। राहत की बात यह है कि 17,847 कोरोना मरीज इसमें ठीक भी हुए। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। लगातार पूरे प्रदेश में और पूरे देश में यहां पर कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,000 का आंकड़े को पार कर चुकी है, लेकिन राहत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है उसमें भी काफी ज्यादा अब गति देखने को मिली है। 17,000 से ज्यादा मरीज इस कोरोना की मार से स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र वो एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मार अभी तक कोरोना की झेलने को देखने को मिल रही है। 59,000 का आंकड़ा पार कर गया है। पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 17,000 से ज्यादा। कोरोना के जो संक्रमित मरीज थे वो स्वस्थ भी हुए और रिकवर उन्होंने किया, एक राहत की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो यहां पर जानकारी निरंतर दी जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि कोरोना का जो ग्राफ है वो हालांकि बढ़ रहा है, लेकिन संपूर्ण संसाधनों के प्रभाव से पूरी सरकारें यहां पर प्रतिबद्ध है कोरोना से लड़ने के लिए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण मेरे साथ में दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रीत, देखिए यहां पर जो आंकड़ा है पूरे देश में लगातार बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन सरकारें प्रतिबद्ध है पूरी तरीके से, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें पिछले 24 घंटों में तो 95 लोगों की डेथ हो चुकी है, करीबन 3300 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं 24 घंटे में। तमाम जो सरकारें हैं वो अपनी अपनी तरफ से स्टेप्स उठा रहे हैं। जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा गया, उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से 30,000 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार को चाहिए। लोग जिस तरीके से कोरोना इससे के समय में बदहाल स्थिति में है, आर्थिक मोर्चे पे राज्य सरकार कहीं ना कहीं विफल हो रही है, उसको देखते हुए 30,000 करोड़ रुपए की तत्काल अनुदान राशि जारी करनी चाहिए केंद्र सरकार की ओर से। सभी राज्य अपने अपने ओर से राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। फिलहाल केंद्र सरकार किस किस राज्य को कितना कुछ देती है ये देखने वाली बात है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बाकी के देशों में स्थिति है उससे कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में भारत है। आज के डेट में अगर डेथ रेट की बात करें तो 3.3% का डेथ रेट चल रहा है, जो कि बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है। वहीं ठीक होने वाली जो परसेंट बोल रहे हैं तो 29 लोग जो है वो ठीक हो जा रहे हैं इंडिया में, तो कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में है भारत बाकी देशों के मुकाबले। जी प्रीत, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि लॉकडाउन 3.0 का आज छठवां दिन है, तो क्या कहा जा सकता है कि जितने भी यहाँ पर जितनी भी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा यहाँ पर जनता से अपील के द्वारा की गई थी, तो क्या वो संभवतया पूरी हो पाई है? क्योंकि रेट्स तो लगातार बढ़ती जा रही है, गति भी जो राहत है वो मिल रही है उसमें देखने को, लेकिन कहा जा रहा है कि जून और जुलाई का जो महीना है उसमें ये वायरस ज्यादा अपना प्रकोप दिखाने वाला है। प्रीत जी बिल्कुल, जून और जुलाई के जो महीने उसमें कहीं ना कहीं पीक पे रहेगा, जैसे कि एम्स के निदेशक ने कल बताया। उनकी तरफ से ये कहा गया भारत में कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव केसेस मिलने शुरू हुए उसके बाद से जून जुलाई पीक पे केंद्र सरकार की ओर से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। आयुष मंत्रालय भी अपनी तरफ से इस जिस तरीके से लोगों को निपटना चाहिए ये लगातार एडवाइजरी दी जा रही है। केंद्र सरकार राहत पैकेज ऐलान कर रही है, राज्य सरकारें भी इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बावजूद इसके काफी लोग जो मजदूर तबके के लोग हैं वहां तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं छुटपुट जो मामले आ रहे हैं
और जो लोग हैं जो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको, केवल कोरोना ही नहीं आर्थिक मोर्चे पे भी कई सरकारें, ये कहा जाए कि मजदूरों तक राहत नहीं पहुंचा पा रही। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रीत। पूरे देश से हम आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं। लगातार पूरे देश में जो कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है।